डॉक्टर साहिबा, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, पर ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर का हाई होना खतरनाक हो सकता है। ऐसी हालत मतलब? यू प्रेग्नेंट है, आपको नहीं पता? नहीं? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। अभी शुरू के दिन है, फिर भी आप कल आके टेस्ट करवा लीजिएगा। अरे डॉक्टर साहिबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इतनी अच्छी खुशखबरी। भाभी, खुशखबरी के साथ साथ बुरी खबर भी तो है। ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे जालिम लोग हैं। पर चाहे इसके कि बच्ची की केयर करते हुए इस हाल से है अकेली घर से निकाल। अरे भाभी, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना, अल्लाह खैर करेगा। जी जी, आप ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए, इन दवाइयों में थोड़ी नींद होगी। अच्छा है वो सो ही रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी स्ट्रेस में भी हैं। जरा आराम से गहरी नींद लेके उठेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। भाभी ये मुझे दीजिए, सईद को कहती हूँ व्हाट्सएप ला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको छोड़ आती हूँ। या अल्लाह, फिदा के दिल में मेरी मोहब्बत कायम रखना, उसके और मेरे दरमियान कोई फासला पैदा ना करना। या रब, उसे मुझसे और मुझे उससे कभी दूर ना करना। सही साहब, ये रिदा की मेडिसिन ला दे। अच्छा मैं ये लेके आता हूँ, तुम रिदा का ख्याल रखना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे रिदा की, बेटी है मेरी वो। जाहिर है बेटी है हमारी, हम नहीं ख्याल रखेंगे उसका तो कौन रखेगा। सही साहब एक मिनट, इतनी बड़ी बात हो गई है, आप फोन करके मालूम तो करें कि हुआ क्या है, हम अभी तक चुप क्यों बैठे हैं? दानियल की माँ से करें बात। इतना बड़ा सुन, आधी रात को रिदा को घर से निकाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बहू के साथ ऐसे करता है? अल्लाह जाने ऐसी क्या बात हुई है जो आधी रात को टैक्सी लेके घर आई है। मेरा फोन करना मुनासिब रहेगा? अच्छा तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। मैं कौन सा दानियाल की माँ से डरती हूँ? नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम ज़ैनब भाभी से कहो कि वो दानियाल या उसकी माँ से बात करे। चलो ज़ैनब बात कर ले, मेरा बात करना वैसे भी नहीं मिलता, मेरी कौन सी बेटी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम ज़ैनब भाभी से कहो कि वो बात करे। मैं जरा ये मेडिसिन ले, पहले ही बहुत देर हो गई। मुझे कौन सा शौक है दानियाल की माँ से बात करने का, खुद ही करे ज़ैनब भाभी बात। हेलो फरिया बेटा। जब ये खबर दानियाल तक पहुंचेगी ना, तो वो खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हाँ, दानियाल का इसमें कोई हक नहीं, कोई भी नहीं। ना, बुरी बात, अल्लाह से तौबा करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं निकालते। हाँ, आप नहीं जानती, आप नहीं जानती कि उसने क्या क्या किया है। रिदा, अम्मी अगर वो आपकी बात ना समझे ना, तो आप उनसे बहस मत करना, क्योंकि गुस्से में मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अगर उनको आपकी बात ना समझ आ रही हो ना, तो आप प्लीज़ गुस्सा मत करना, थोड़ा थोड़ा एहतियात से काम लेना, ठीक है? वरना हम लोग सुबह फिर चले जाएंगे। बस दुआ करना है वो मेरी बात समझ ले और इधर भी हमारे साथ वापस आ जाए। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह खैर करे। हम निकलते हैं बेटा, तुम आकर मेन डोर लॉक कर।
अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं अकेली थोड़ी हूँ, रहीम चाचा भी तो घर पर है ना। हाँ दानियाल, हम रहीम चाचा को साथ ले जाते हैं, रात का वक्त है। अभी प्लीज उन्हें छोड़े, आप वो आराम कर रहे होंगे, हमें देर हो रही है, प्लीज चले। चलो ठीक है, तुम बेटा जरा आके दरवाजा लॉक कर। आओ बेटा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह के अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, या अल्लाह करम कर, हमारी मुश्किल आसान कर, अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकती। रिदा बेटा, रिदा बेटा आंखें खोलो, रिदा पीछे, कैसी तबीयत है? माँ बनने वाली हो? माँ? हाँ बेटा, देखो अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत से किस तरह नवाजा है, तुम पर कितना कर्म किया है, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम माँ बनोगी, तुम्हारे कदमों तले भी जन्नत होगी। और तुम देखना, जब ये खबर दानियाल तक पहुंचेगी ना, तो वो खुशी से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। नहीं माँ, दानियाल को मत बताइएगा, उसे कुछ भी मत कहिएगा। क्यों रिता, दानियाल को क्यों नहीं कुछ बताना? ये मेरी औलाद है माँ, दानियाल का इसमें कोई हक नहीं, कोई भी नहीं। ना, बुरी बात, अल्लाह से तौबा करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं निकालते। आप नहीं जानती, आप नहीं जानती कि उसने क्या क्या किया है। रिदा, ताई अम्मी के सामने कोई बात नहीं करना। मेरी जान, हमें बताओगे तो पता चलेगा ना किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया, ऐसे कैसे पता चलेगा? ये चाय पी। क्या हुआ? बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ताई अम्मी भी तो माँ होती है ना। सब खैरियत है? तुम अकेली वहां से क्यों चली आई? क्या वो? हमें कहीं हनीमून पे जाना था, पता नहीं उनकी अम्मी को क्या बुरा लग गया, उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए मैं खुद ऐसे ही आ गई। अल्लाह, रिदा तुम्हारी सास ऐसी है? होती है कुछ सासें ऐसी जो अपने बच्चों की खुशियों से खुद ही जलती हैं, और ख़ास तौर पे बहू की खुशी से। हाँ, मेरी बेटी का दिल ही तोड़ दिया उसने, ऐसी औरत है वो। चले खैर है, कोई बात नहीं, दानियाल आएगा ना, कान खींचूंगी मैं उसके। अच्छा मुझे बताओ, कुछ खाने को दिल चाह रहा है तो बनाकर ला कर दूँ अपनी बेटी को? इस हाल में वाकई कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर कुछ खाने को दिल चाहे तो मुझे बता दें, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को बना कर दूँगी। भाभी मैं सईद को ज़रा नाश्ता दे। ठीक है भाभी। Thank you.
दिल नहीं कर रहा कुछ भी दिल नहीं कर रहा। अम्मी आपको ना उनके घर चले जाना चाहिए था। कैसे जाती मैं? इतनी सख्ती से नसीमा बेगम ने मना कर दिया था। और वो तो इस लहजे में बात कर रही थी जैसे आप कोई बहुत ही गिरे पड़े लोग हो। भी ऐसा गुस्सा था उनमें कि जैसे मैं कोई बहुत ही जालिम सास हूं। अम्मी हमारा नाराजगी करना नहीं बनता। वो लोग जो भी कहते हैं आप उन्हें कहने दें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे इस वक्त मेरे भाई की बहुत फिक्र है, वो बहुत परेशान है। मुझे मेरे बेटे की मोहब्बत ने तो बांध रखा है, इसलिए तो मैं रास्ते से वापस आ गई हूँ। अगर मैं जबरदस्ती वहां पहुंच जाती ना और मुझसे या मेरे बेटे से वो कोई ऊंच नीच करते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्टल। और कहाँ जाऊंगा मैं? भाई आपने तो हॉस्पिटल से छुट्टियां ली थी ना? छुट्टियां तो हनीमून के लिए ली थी। जब भाई नहीं जा रहा तो घर बैठ के क्या करूंगा? खुदा हाफिज। यार किसकी नजर लग गई है मेरे बेटे को। अम्मी जान अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, आप बस दुआ करो। ये नसीमा ने हमसे बहुत बदले ले लिए, उसको तो जैसे मौका ही मिल गया है। अम्मी हमारी क्या दुश्मनी उनसे? तुम नहीं जानती साइम उसका बेटा था, और तुम्हें याद है ना कि दानियाल और रिदा की शादी पे कैसे तंसिया बातें कर रही थी हमारे साथ। आप प्लीज उन सबको छोड़ दें और उनकी फिक्र मत करें। आप इस वक्त सिर्फ भाभी की फिक्र करें। मैं आपकी फोन पर बात करवाऊं? क्या बात करूंगी मैं, उससे मेरी बात ही ना सुनी तो फिर। तो अम्मी अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी हमें इंतजार करना चाहिए, शाम तक तो देखें ना, शायद वहां से कोई फोन आ जाए। अगर ना आया तो फिर सोचेंगे कुछ क्या करना है। अच्छा चलें आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। अरे बेटा रहने दो, हर परेशानी का हल चाय नहीं होती। दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह खैर करेगा। उसके बारे में सोच भी नहीं सकती, और आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ उसी का नाम याद रखूं, उसका जिक्र सुनना भी नहीं चाहती। कभी नहीं। क्यों? ऐसा क्या किया है दानियाल ने जो इस तरह अचानक तुम्हें उससे इतनी नफरत हो गई? वहां वो नफरत के ही काबिल है, वो कभी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। नसीमा जमीन और आसमान के मालिक, हमारे दिलों को एक समंदर करते, हमारी मोहब्बत का सूरज बहुत ज्यादा रोशनी के साथ तुले। हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, साथ थी साथ में। रिदा, रिदा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? साहब बहुत याद आ रहा, बहुत याद आ रहा साहब। देखो बेटा तुमने वादा किया था कि तुम साइम को कभी याद नहीं करोगी। बेटा अब साइम नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो दानियाल है, तुम्हारा शौहर,
अब तुमने सिर्फ एक ही नाम याद रखना है और वो दानियाल का नाम है। मुझे नफरत है उससे, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती और आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ उसी का नाम याद रखूं, उसका जिक्र सुनना भी नहीं चाहती। कभी नहीं। क्यों? क्यों? ऐसा क्या किया है दानियाल ने जो इस तरह अचानक तुम्हें उससे इतनी नफरत हो गई? वह वो नफरत के ही काबिल है, वो कभी मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। नसीमा, तुम यहाँ खड़ी हो, उधर मेरी ऑफिस फाइल नहीं मिल रही, आओ मुझे देख के दो जल्दी। आओ जी, मैं आ रही हूँ। आ भी जाओ। चुप कर।